तो गाइस ये मस्जिद चेक करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लोकेशन है और बिल्कुल सिग्नल पे बनी हुई है। और वो गाइस देखे सामने ब्रिज है, हम वहाँ से आए थे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप आप लोग ठीक होंगे। और मैं अभी हूँ सूर में, काफ़ी अच्छी जगह पे, यहाँ का एक ब्रिज है, काफ़ी अच्छा ब्रिज। तो ये सामने ब्रिज पे हूँ, देखिए आप ये सामने ब्रिज है पूरा, ये नया ब्रिज बना है सूर में, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है, बहुत बड़ा ब्रिज है ये। और इसके जो आगे पीछे पूरा समंदर है, यानी ये समंदर के ऊपर से ही ब्रिज जा रहा है। थोड़ा उठा के दिखाना है यहाँ से, ये देखें आप, ये पूरी यहाँ पर कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। किया हुआ इस जगह को, और टूरिस्ट प्लेस है ये। यहाँ पर जो है टोटल, यहाँ पर जो है फिशिंग भी होती है और इधर जो है बोट्स वगैरह भी रेंट में मिलती है। तो उधर का भी मौसम भी अच्छा हुआ हुआ है, बारिश वाला सीन बना हुआ है पूरा, धूप बिल्कुल भी नहीं है, हवा भी अच्छी चल रही है ठंडी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरा भी। तो मैं आपको पूरा एक टूर दूंगा अभी यहाँ का, जो समंदर के साथ ही पूरी रोड चल रही है इसकी, और यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो थोड़ा आगे जाके कहीं गाड़ी रोकते हैं और आपको दिखाते भी हैं, अगर व्यू एंजॉय करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये है यहाँ पर कॉफ़ी शॉप, और काफ़ी अच्छे इन्होंने कॉफ़ी शॉप बनाया, देखें पूरा इन्होंने जो यहाँ का जो ट्रेडिशनल है उसके हिसाब से पूरा लुक दिया है, पूरा जैसे अरबी रेस्टोरेंट जैसे होते हैं पूरे। और ये बिल्कुल देखें आप, सामने समंदर है, फुल नीट एंड क्लीन, यहाँ पर सफाई बहुत होती है, यहाँ पर आप चेक करें कोई कचरा वगैरह नहीं है। और सामने पूरी सिटी भी है, और जो इनकी मेन अट्रैक्शन है वो सामने एक बना हुआ है इनका, एक मतलब एक किला टाइप बनाया है उन्होंने, काफ़ी अच्छा वहाँ से व्यू आता होगा, एक फोर टाइप बना हुआ है। और घर देखिए यहाँ पर सारे वाइट हैं टोटल, काफ़ी अच्छे घर यहाँ बने हुए हैं। सो अभी चलते थोड़ा बीच के पास आगे और आपको थोड़ा करीब से दिखाते हैं, मज़ा तो काफ़ी यहाँ आ रहा है, एंजॉय हो रहा है, मौसम भी अच्छा है, लोग भी यहाँ आ रहे हैं ऐसा ऐसा टाइम। यहाँ पर जो है वो 2 बजने वाले हैं अभी फिलहाल, और ये सामने आप चेक करें, ये देखिए बड़ा हुआ है यहाँ पर एक काला करीब ले जाके क्या करूँगा उसके बाद में, ये क्या होती है यार, तो उड़ जाएगा, उड़ नहीं पा रहा वो, इसको क्या कहते हैं तुम्हारे दमान में, कुछ तो कहते होंगे। तो ये देखिए गाइस, पानी पूरा यहाँ पर नेचुरली इसका ग्रीन कलर है, बिल्कुल ग्रीन एंड क्रिस्टल टाइप पानी है। वाह, पानी के पास आके थोड़ा और मौसम अच्छा लग रहा है, हवा भी ठंडी लग रही है क्योंकि पानी के साथ है ना, तो ये के थोड़ी और मतलब जो है ताजगी आ गई है, ताजगी कहते हैं ना, ताजगी टाइप हो गया। सामने जो ये बनाया है बड़ा रबर बना हुआ है। और वो गाइस देखे सामने ब्रिज है, हम वहाँ से आए थे, ये सब ब्रिज बना हुआ है, ये सब व्यू है ब्रिज का, और काफ़ी बड़ा ब्रिज बनाया है इन्होंने। और ये कि इसके उस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, और बीच में इन्होंने ब्रिज बनाया है काफ़ी अच्छा, मतलब सिटी को इन्होंने कनेक्ट किया है, ये सिटी को और ये सिटी को इन्होंने कनेक्ट किया है आपस में, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने एक सीन बनाया है पूरा, कि बंदा आराम से ना आ जा सके। हाँ भाई आगे चलें, हम जब लास्ट टाइम भी यहाँ आए थे याद है, उस वक्त भी मौसम अच्छा था, लेकिन हमने व्लॉग नहीं बनाया था, टिकटॉक वगैरह बनाया आपसे, मैं वीडियो वगैरह बनाया, लेकिन आज तो ये थोड़ा व्लॉग बना लेते सोचा मैंने। वाह यार जबरदस्त नेचुरल है ओमान की ब्यूटी है गाइस, ये हर बीच समंदर आपको इसी तरीके से मिलते हैं, ये सिर्फ ओमान इसी वजह से थोड़ा फेमस है वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर जो
नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल पहाड़ माउंटेन, नेचुरल जो बीच वगैरह है, ये इसकी खूबसूरती है। लोग ना इसको नेचुरली रखते हैं, देखिए कितना ये बस नेचुरल पूरा व्यू है यहाँ पर जो है। कोई इन्होंने इतना ख़ास मतलब ये कि मतलब जैसे और काम नहीं किया कोई, जो है नेचुरल बस ये है। साइड में जो है थोड़ी बहुत बैठने की जगह वगैरह बनाई थी और एक कॉफ़ी शॉप बनाया है, और ये समझना कि अपनी खूबसूरती है। देखें वो बीच में एक पहाड़ आया हुआ है, वो पहाड़ के साथ में पूरा पानी है, तो वेरी नाइस यार, ज़बरदस्त दिल खुश होता है देख के ऐसे बीच ना। दिल करता है कि बंदा थोड़ी देर यहाँ बैठे टाइम गुजारे अपना। ये क्या सीन है भाई, ये कौन सी नस्ल है? नस्ल कह रहा हूँ यार, कौन सा मतलब परिंदा है ये? नहीं तंग कर यार बेचारा वहाँ बैठा हुआ सुकून से, तो पकड़ ले काट के खा लियो। मतलब भाग गया है देखिए यार, वो बोलेंगे पता नहीं कहाँ से आए हमको तंग करने के लिए, ये मस्कत से आए हैं कोई स्पेशल। तो भाई सभी चलते हैं यहाँ से और अपना जो है लंच वगैरह करते हैं, फिर निकलेंगे मस्कत के लिए। ऐसी मस्जिद चेक करें हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लोकेशन है और बिल्कुल सिग्नल पे बनी हुई है, सिग्नल के साथ, और काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये और मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। आसपास इसके दरख्त वगैरह हैं और इसकी डॉम भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, मीनार भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं इसके। बिरयानी मेरा समझा कुछ दूसरी होगी, लेकिन ये फ्राई पीस वाली है और साथ में ये खजूर आया है और ये साथ में थोड़ी ग्रेवी और ये है फिश, और अभी उसको हम खाते हैं। ये हमारा लंच है, सो लेट्स स्टार्ट।